अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोइन खान और मैं सभी प्यारी प्यारी माता बहनों का और प्यारे भाइयों का इस चैनल के अंदर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों और मेरी प्यारी माता बहनों, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि जो भी वीडियो मैं आप तक लेकर आता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आज्ञा से, आपकी डिमांड से, क्योंकि जो लोग या जो मेरी प्यारी माता बहनें और मेरे भाई, जो लोग मुझसे पूछते हैं, जो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछते हैं कि ये वाली वीडियो बनाइए इस टॉपिक पर, वही वीडियो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। और उन्हीं कुछ लोगों में से कुछ की डिमांड होती है, जो ज़्यादातर कमेंट आ रही हैं कि कुछ ऐसा बताइए जिससे हम अपने प्यार को पा सकें, जो उनका प्यार है वो किसी और के पास चला गया है, वो उससे प्यार करने लग गया जिससे पहले प्यार करता था उसको भूल गया, और जो जिससे अभी प्यार करने लगा है वो उसी की बात मानता है, उसी के कहने पर चलता है, और शादी के लिए भी वो ही कर रहे हैं, शादी भी वो उसी से ही करेगा, वो ऐसा बोल रहा है। तो एक मेरी बहन है, उनका भी कमेंट आया था कि कुछ ऐसा बताइए कि हम अपने पुराने प्यार को पा सकें, और जो जिससे वो प्यार कर रहा है, और वो लड़की और वो दोनों लड़के, लड़का और लड़की, वो अलग हो जाए और लड़का मेरी तरफ वापस आ जाए, मुझसे प्यार करे, मेरी बात माने, मेरे वश में हो जाए। तो दोस्तों ये उपाय बहुत ज़्यादा असर करता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी मन उच्चाटन है। मन, किसी का मन को उखाड़ना, किसी के मन को उखाड़ना यानी कि मन को उच्चाटना, मन को खिलाफ करना मन उच्चाटन कहलाता है। यदि हम किसी के ऊपर मन उच्चाटन की क्रिया करते हैं तो वो कैसे असर दिखाती है, वो दो लोगों के बीच दो लोगों को अलग कर देती है। कैसे? जब हम मन उच्चाटन की क्रिया उन दो के नाम से करेंगे जिनको हम अलग करना चाहते हैं, जो गलत लोग होते हैं, तो उनको अलग कैसे करेंगे हम, वो अपनी क्रिया कैसे करेगी, वो उन दोनों के बीच में दरार पैदा करेगी, उनकी लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाएगी आपस में, और जैसे ही एक दूसरे के वो खिलाफ हो जाएंगे, लड़की लड़के के खिलाफ हो जाएगा और लड़का लड़के के खिलाफ हो जाएगा, वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और दोनों का लाइफ टाइम के लिए एक रास्ता दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ये एक तरफ ये समझ लीजिए कि वो आपकी अपनी एक दूसरे की बात तक नहीं सुनेंगे, एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे। दो लोगों को अलग करने की जो क्रिया होती है उसी को ही हम मन उच्चाटन कहलाते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कील से मन उच्चाटन। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कील, लोहे की जो कील होती है, ये मेरे हाथ में है, लगभग देख सकते हो आप, लोहे की कील से मन उच्चाटन। अब आपको इस, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि मन उच्चाटन का मतलब किस किस लोगों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मन उच्चाटन का इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई प्यार है, कोई लड़का है, और आप दोनों के बीच पहले अच्छे से प्यार करते, प्यार चल रहा है, आपकी वो भी बात मान रहे हैं, आप भी उसकी बात मान रही हो, वो आपसे शादी के लिए बोल रहे हैं, आप भी उससे शादी के लिए बोल रही हो, पर कुछ टाइम बाद वो आपसे अलग हो गया, वो आपसे अलग हो गया और कोई दूसरी लड़की के साथ अटैच हो गया, तो आप क्या करोगे उस, आप अब वो लड़का शादी के लिए वादे भी कर रहा है, फिर आपसे अलग हो गया, फिर उस लड़की के पराई स्त्री या औरत या किसी भी लड़की के चक्कर में आकर के उसके रिलेशन से जुड़ गया, अब आपको, आप परेशान हो जाओगे, अकेले पड़ जाओगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस मन उच्चाटन की विधि को करके उन दोनों को लड़ाई करवा सकते हो, उन दोनों के अंदर मतलब कि लड़ाई, उनको अलग करने की जो विधि होती है उसको मन उच्चाटन कहते हैं, और उस विधि से ही आप इन दोनों को अलग कर सकती हो और लड़के को वापस अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हो, उसको अपने वश में करके। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको करते कैसे हैं, किस किस सामान की आवश्यकता पड़ेगी। एक कील, दो कागज़ छोटे से, एक आग की जो माचिस होती है, ये बस इसी सामान की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और लिखने के लिए आप कोई भी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, ध्यान से आपको ये बात देखनी है, जिसको आपको अलग करना है उसका नाम है, मान लीजिए उस लड़के का
मतलब उस लड़की का नाम पहले लिखना है जिसके पास वो लड़का आपको छोड़ करके चला गया है, उस लड़की का। मान लीजिए उस लड़की का नाम है, उस लड़की का नाम है नीलम। नीलम नीलम यहाँ पर आपको माँ का नाम भी मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो माँ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको तरीके से आपको नाम लिखना है। उसके बाद आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये जिसको अलग करना था ये आपको बीच में इस साइन का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है, इस साइन का। बीच में आपको आप बड़ा भी बना सकते हो। अब आपको क्या करना है, लड़के का नाम लिखना है जिन दोनों को आपको अलग करना है। लड़के का नाम है आमिर, आमिर प्लस माँ का नाम। ध्यान से देखिए, ये उदाहरण के तौर पर नाम है, आपको असली नाम का लिखना है, इतना आपको लिखना है, इतना आपको लिखना है। लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है लड़के का नाम, जिसको मान लीजिए आपको नीलम को जो लड़का आपसे प्यार करता था उसका नाम आमिर है, जो आमिर आपसे पहले प्यार करता था अब आपको छोड़ करके नीलम के पास चला गया, तो अब आप क्या चाहते हो, आमिर और नीलम अलग हो जाए। तो यहाँ पर तो इस तरीके से लिखना है आपको, नीलम प्लस माँ का नाम, फिर ये साइन, ये फिर आमिर प्लस माँ का नाम, ठीक है। अब आप आमिर को वापस अपनी तरफ क्लोज करना चाहते हो, उसको पाना चाहते हो, तो यहाँ पर आमिर लिखा जाएगा, आमिर। ये बात ध्यान रखनी है, माँ का नाम लिखना है, नहीं पता तो खाली माँ भी लिख सकते हैं। बहुत लोगों का यही क्वेश्चन होता है, माँ का नाम नहीं पता, माँ का नेम नहीं पता, खाली माँ भी लिख सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर नहीं पता हो, पता होगा तो बेहतर हो पाए, जब भी काम करेगा जब माँ का नाम मालूम होता है। अब आपको यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको स्वास्तिक का निशान आपको यहाँ पर बना लेना है, इस तरीके से स्वास्तिक का निशान बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, उसका नाम, अब लड़की का नाम है आरती, तो यहाँ पर अपना नाम यानी कि आपका जो भी कर रहा है इसको आरती है, यह माँ का नाम जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से आपको बना लेना है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, जिनको अलग करना है, जिनको अलग करना है उसको जलाना है। इसमें आपको जलाएंगे हम कटोरे में करके, आपको जला करके मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। इस तरीके से आपको पेपर को जला देना है, जिनको अलग करना है उसको जलाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से अच्छे से जल जाए, राख हो जाए इसकी, ये बात ध्यान रखनी है आपको, इस तरीके से। ये देखिए पूरा जल रहा है इस तरीके से, जिसका नाम आपने, जिनको अलग करना है उसको जला देना है पेपर को, इस तरीके से जैसे मैंने आपके सामने रखा है। अब आपको करना क्या है, जिसको क्लोज करना है उसको इस तरीके से फोल्ड करना है अच्छे तरीके से, ये चार फोल्ड जो होते हैं ठीक, इस तरीके से चार फोल्ड करना है आपको जैसे मैंने करा है। फिर आपको ये जो आप देख रहे हो ये इस तरीके से कील को इस तरीके से कर देनी है। अब ये आपने कील इस तरीके से आर पार कर दी गई, इसके जिनको पास करना है एक दूसरे के दोबारा करीब करना है, जिनको अलग करना था वो जला दिया। जो पीपल का जो वृक्ष होता है उस वृक्ष के अंदर इसको ठोक देना है, जो वृक्ष होता है उसके अंदर आपको ठोक देना है, जैसे लकड़ी होती है ना, जो पेड़ होता है पेड़ के अंदर आपको इसको ठोक देना है, बस ये काम आपको करना है। इसको करते ही आप इस विधि को जो है ना, ये सिर्फ 5 मिनट में तो आप इसको कर लोगे और आपको रेस्पॉन्स जो मिलना स्टार्ट हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 घंटे में आपको इसका रेस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दिन में ही इस उपाय को करें, रात के
जो शाम की 5 बजे थे, 5 बजे के बाद इस उपाय को बिल्कुल ना करें। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस आप इसको करें। और दोस्तों यदि आपको इस उपाय को करने में कहीं भी कुछ पूछना हो या कुछ समझ में ना आया हो तो नंबर जो स्क्रीन पर दिया हुआ है इसकी जानकारी आप इससे प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।